साला तीन दिन के लिए मुंबई डूब जाता है, एक हफ्ते के लिए केरल डूब जाता है और एक हफ्ते के लिए चेन्नई डूब जाता है, तो देश के बुद्धिजीवी लोग फेसबुक और ट्विटर पे आंसुओं का सैलाब ला देते हैं। एक फोटो केरल के बाढ़ का और एक फोटो चेन्नई के बाढ़ का और एक फोटो मुंबई के बारिश का देख के उनका दिल पसीज जाता है। और बाढ़ रिलीफ के नाम पे ना जाने कितने अकाउंट खाली हो जाते हैं। केरल के लोगों को तो बाढ़ रिलीफ के नाम पे पैसा मिलता है, चेन्नई के लोगों को मिलता है, लेकिन जिस चेन्नई में 100 साल में जितना बाढ़ आता है, केरल में 100 साल में जितना बाढ़ आता है और मुंबई में 100 साल में जितनी पानी आती है उतना बिहार में हर साल आता है, लेकिन बिहार के लोगों का क्या? जब ये चीजें हम लोग बिहार के लोग दिखाना शुरू करेंगे तो सारा देश का लोग बोलेगा कि बिहारी बीमारी है और बिहारी गरीबी है। लेकिन हम गरीब नहीं है, हमारे यहाँ बीमारी भी नहीं है। समस्या यह है कि हमारे यहाँ का नेता बीमार है। सबसे ज्यादा केबीसी में विनर हमारे बिहार के होते हैं, आइए सुनाइए, सबसे ज्यादा बिहार के होते हैं। लेकिन आप देखिए, बताया आप लोगों को पिछले तीन महीना से बिहार रेड अलर्ट में है, लेकिन साला एक भी भोसड़ी वाला देश का इंसान जो है बुद्धिजीवी जो है एक रुपया बिहार के बाढ़ रिलीफ के नाम पे नहीं दिया है। और हमें तुम्हारा भीख भी नहीं चाहिए, हम इस बिहार को फिर से बनाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि हमारे यहाँ के लोग जो है वोट के समय में जातिवाद की बात करके वोट देते हैं, जो चूतिया है। नेताओं को मुझे गाली देने का मन कर रहा है। पिछले तीन दिन से हर एक न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा है पटना रेड अलर्ट, पटना रेड अलर्ट। और यही पटना है 200 साल पहले, इतना पानी भी नहीं लगता था, गंगा नदी के बगल में है और सबसे ऊंचा शहर है, इतिहास उठा के देख लो। और हर जगह यही स्थिति है, लेकिन तुम देखना पसंद नहीं करोगे कि बिहारी बीमारी नहीं, बिहारी काबिल लगते हैं और काबिल लोगों से तुम नफरत करते हो। अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर, केरला के लिए तुम्हारे आंखों में आंसू आते हैं तो बिहार के लोगों के लिए क्यों नहीं आते हैं? कहीं नहीं तो कहीं तुम लोग प्रतिवाद कर रहे हो। तो जितने भी न्यूज चैनल वाले देखो हमारी स्थिति क्या, देख लो यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, देखो। और तुम्हें सर माना चाहिए कि तुम्हें देश के लोग बुद्धिजीवी कहते हैं। तो बगल में स्कूल है जहाँ पे कम से कम 6 फीट पानी लगा हुआ है, जहाँ पे बगल में छोटा पट्टी है, जहाँ पे रहने के लिए लोगों का जगह एकदम पूरा पानी से भर गया है, नहीं दिखेगा तुम लोगों को, क्योंकि तुमने कभी आंख खोल के बिना पक्षपात कुछ देखा ही नहीं है, तुमने हर बार पक्षपात किया है। ट्विटर पे बैठे कुछ दिन लोगो, हमें तुमसे सहानुभूति नहीं चाहिए। जब पानी भगवान का दिया हुआ है तो एक न एक दिन निकल जाएगा। और इस बिहार को हमने अगर बर्बाद किया है गलत नेताओं को वोट देके, तो हम ही इस बिहार को आगाह करेंगे। केरल के एक मार्किट फोटो को देखिए, करोड़ों रुपया लेकर अरबों रुपया देने वाले, डोनेशन देने वाले लोगों को हमारे बिहार में एक बार की फोटो देख लेना, हमारा दिल पसीज जाएगा। लेकिन मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा हूँ कि तुम बाढ़ रिलीफ फंड के लिए कुछ दो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम पक्षपात मत करो। और लास्ट में मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो नेता गांजा पी के अपने अपने आवासों में अभी फंस है और बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, कुछ चुनके नेताओं को वोट मत दो। मरते रहोगे और रोते रहोगे, तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा, बस यही कहना चाहता हूँ। और ये मैं देश के किसी भी अमीर या बुद्धिजीवी से भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं बिहार की स्थिति बता रहा हूँ और बताना जरूरी था, क्योंकि आज जो है पिछले तीन महीना से बिहार रेड अलर्ट पे है, पिछले तीन दिन से पटना रेड अलर्ट पे है, लेकिन कहीं भी किसी भी बुद्धिजीवी का ट्विटर पे एक पोस्ट नहीं देखा है बिहार के लिए। हमें नहीं चाहिए, हमें हमारे यहाँ के छोड़ दो, हम बाढ़ से और महामारी से हर साल पीड़ित होते हैं, लेकिन इसके लिए दोषी हम हैं, क्योंकि हम इन घटिया और बेकार टाइप के नेता को वोट देते हैं। बस मत इस वीडियो को देख के हम पे कोई तरस मत करना, हमें हमारे हक में जो होगा, हमारे नसीब में होगा, तो हम अपने आप से पालेंगे और अपने आप से बिहार को फिर से संभाल लेंगे। वही बिहार बनाएंगे जो 2007 पहले अपना अशोक और चक्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। जहां देश के तमाम कोने में लोग दशहरा और दिवाली के त्योहारों में व्यस्त हैं, वही बिहार के छोटे छोटे बड़े बड़े पानी घुस चुका है। और हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये बाढ़ का पानी हमारे घरों से निकलेगा और भोजन का निवाला जो है हमारे और हमारे परिवार वालों के पेट में जाएगा। नीतीश कुमार का एक सपना है हर घर नल जल योजना, और ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। बिहार में हर साल में 6 महीना बाढ़ का पानी हर घर में आता है। असल खेल तो बाढ़ के बाद शुरू होता है।
हवाई सर्वेक्षण और चिवड़ा मीठा के नाम पे बिहारियों का लाखों नहीं करोड़ों रुपया नहीं अरबों रुपया का घोटाला ये भ्रष्ट नेता कर लेते हैं। और ये तमाम बात मैं देश के बुद्धिजीवी या उन लोगों को नहीं सुना रहा हूँ जो बाढ़ रिलीफ के नाम पे डोनेशन देते हैं। हम तो अपनी बर्बादी का दास्तां खुद को सुना रहे हैं। और हाँ, अब हम बिहारियों का सहनशीलता जवाब दे चुका है, करारा जवाब मिलेगा और 2020 में ऐसे भ्रष्ट नेताओं को हम करारा जवाब देंगे। जय हिंद, जय बिहार।